सर सर थोड़ा यहाँ आइए और बस बस सेंटर में गया। यस नर्वस फॉर श्योर, अ लॉट ऑफ जिटर्स, अ लॉट ऑफ नॉइज। प्रेम प्रकरण किस तरह की फिल्म होने वाली है? आई थिंक इट्स अ लव स्टोरी, कमिंग ऑफ एज फिल्म, अमित त्रिवेदी म्यूजिक, मैग्नम ओपस, सो आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रैंड फिल्म। प्रेम प्रकरण इज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर गुजराती, फॉर द गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छी फिल्म होने वाली है। वी आर होपिंग बिकॉज from the production value to direction to acting to script writing to lyrics to music, everything is on point. As normal audience जो देखना चाहते हैं I think वो है, क्योंकि जब अगर हम इस पिक्चर में नहीं होते तो भी ये पिक्चर देखने का मन होता, पर हम ये बोलेंगे नहीं। मेरा as I said नहीं लव स्टोरी नहीं है, दिस इज़ नॉट जस्ट द लव स्टोरी, जिसे मैंने कहा कमिंग ऑफ एज फिल्म है, जो ज़्यादातर आप साउथ में देखते हैं वो सब है। तो किरदार के बारे में ऐसा है कि 16 साल का जो स्कूल का बच्चा होता है वहाँ से 28-30 साल के लड़के तक की जर्नी है, तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, मच्योरिटी है, आवाज़ में फ़र्क है, बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क है, उसकी लाइफ में जो लोग आते हैं वो बदलते हैं, और लड़का जो खुद जिसका नाम आदित्य है आदि वो बदलता है। तो और हम लोग को शूट करने में 6-9 महीने लगे थे करीबन, सो इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज नॉट इजी। मेरे किरदार का नाम है रिया, और रिया बहुत ही मैच्योर लड़की है, बट एट द सेम टाइम शी इज पेपी एज वेल, इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है वो, एंड यस आदि की इवेंट मैनेजर है, जो चाहती है कि उसकी लाइफ की मैनेजर भी बन जाए, बट देन लाइफ टेक्स टर्न, और किस हिसाब से आदि के इमोशंस चेंज होते हैं, रिया के इमोशंस चेंज होते हैं, उस हिसाब से बहुत लेयरिंग हो जाती है, जिसके लिए व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, तो यस मेरे में शायद बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, बट लेयर्ड इमोशंस थे, जिसकी वजह से मुझे खुद बहुत मज़ा आया परफॉर्म करने का। गुजराती सिनेमा में जिस तरह से इवॉल्व हुआ है, लोगों ने इतना प्यार दिया है, जी थिएटर में पहुंच रहे हैं गुजराती सिनेमा देखने के लिए, उस चीज़ को लेकर कितना प्राउड फील होता है, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्राउड फील होता है, और बिकॉज हम लोग हिंदी भी कर चुके हैं, मैं ईशा दोनों हिंदी काम कर चुके हैं, और फिर उसके साथ साथ गुजराती में काम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, और ये जो प्यार है इसकी कोई इसका कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं होती, बिकॉज कोई आपको अच्छा एक्टर बुरा एक्टर नहीं बोलता, आपको एज एक्टर्स प्यार करते हैं लोग, सो दैट्स इज समथिंग दैट इज लैकिंग इन द अदर इंडस्ट्री और व्हाटएवर यू कॉल इट, सो गुजरात में प्यार बहुत ज़्यादा है, वो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक जब ऑडियंस का रिएक्शन मिलता है ना, कि आई नो दैट कंपैरिजन इज बैड, बट समहाउ कुछ अच्छी फिल्मों को वो बोलने लगते हैं कि ये बॉलीवुड से कम नहीं था, दो वी डोंट वांट इट टू बी कंपेयर्ड विद बॉलीवुड, बट जब ऑडियंस का रिएक्शन अच्छा लगता है और जब उन्हें प्राउड फील होता है कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी अच्छी पिक्चरें बन रही हैं, तो हमें अच्छा फील होता है कि हाँ जो भी मेहनत हमने की, खून पसीना बहाया, वो एवरीथिंग वॉज वर्थ इट। मुंबई के जितने भी गुजराती से जो सिनेमा ये देखने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपके? यार ये गुजरात की पिक्चर है, गुजरात या मुंबई, मैं ऑडियंस को मैसेज देना चाहूँगा कि एक गुजराती पिक्चर है, बहुत प्यारी पिक्चर है, बहुत प्यार से बनी पिक्चर है, और जो मैंने आपको पहले बताया कि इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, ईशा ने बताया, एक्टिंग अच्छी है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, और बहुत बड़ा स्केल भी है, तो आपके पास वो सब कुछ है जो आपको सिनेमा तक लेके जाएगा, आप जस्ट जाइए फिल्म देखिए एंड यू लव इट। आई थिंक मैं ऑडियंस को बस इतना कहना चाहूँगी, चाहे वो मुंबई में हो, गुजरात में हो, कहीं पे भी हो, एक तो गुजराती सब जगह बसे हुए हैं, सो यस, एंड मुझे कितने सारे मैसेजेस आते हैं, रिलेटिव्स के फ़ोन आते हैं कि ये ओवरसीज या इंदौर या पंजाब में जितने भी गुजरातीज हैं, दे ऑल वॉन्ट टू वॉच गुजराती फिल्म, और जब वो लोग देखते हैं तो वो लोग हमें फ़ोन करते हैं, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू, आई फॉरगॉट माई पॉइंट, आई एम सो नर्वस, व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज गुजरात में जब पिक्चर आती है तो कैसा फील होता है? सो अच्छा फील होता है, या आई मीन जब
वो लोग लैंग्वेज नहीं देखते एंड मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगी कि ये शायद इसमें लैंग्वेज का ही फ़र्क है, बट आप 70mm पे देखने जाओगे तो आपको उतना ही मज़ा आएगा जो पैसा वसूल फिल्म देख के होता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. अरे 150 रुपये का है. ड्रेस मिलेगा. सर क्या क्या खास बात होने वाली है अगर ऑडियंस को बताओ? गुजराती सिनेमे में अभी लोगों को एक अच्छी मूवीज देने की हमने प्रयास किया हुआ है. अभी दूसरी जो रिलीजन है साउथ है पंजाबी उसके मुकाबले भी गुजराती इंडस्ट्रीज कम है, तो वहाँ प्रेक्षकों आए और गुजरात इंडस्ट्री आगे बढ़े उस तरफ का हमने एक अच्छा प्रयास किया हुआ है इधर देने के लिए. सर क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म है इसकी केमिस्ट्री के बारे में बताइए, स्टारकास्ट के बारे में कौन कुछ बता सकते? इसमें तो पहले तो एक हमारा जो प्लस पॉइंट है अमित जी का जो म्यूजिक है, पहली बार उसने गुजरात इंडस्ट्री में आए हैं, बाकी बॉलीवुड में तो उसका अच्छा नाम भी है. तो एक म्यूजिकल लव स्टोरी बनाई है हमने और एक आज तक गुजरात इंडस्ट्री में नहीं आई ऐसी एक स्टोरी हम लेके आए हैं. और क्या कहना चाहिए? पूरी स्टोरी कम्प्लीटली बॉलीवुड की तरह, पूरी स्टोरी जो है वो कम्प्लीटली एक बॉलीवुड फिल्म की तरह लगेगी. है गुजराती फिल्म पर पूरी आपको आप अगर देखेंगे तो उसकी सिनेमेटोग्राफी बैकग्राउंड म्यूजिक BI आप सब टेक्निकल अगर देखेंगे साउंड से लेकर सब कुछ तो वो सब आपको बॉलीवुड की तरह ही दिखेगा, एक रीजनल फिल्म की तरह नहीं दिखेगा. एक ये एक नई टेक्निक है. तो सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है आप लोगों को? ऑडियंस को एक अच्छा मैसेज मिलेगा और वो अपने आप को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक और अभी वो उस जो भी एज में है उसमें अपने आप को कनेक्ट कर ही देंगे. इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक बार आपने ये फिल्म देख ली तो 3 दिन तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. प्रेम प्रकरण को मैं ये क्योंकि ईशा जो इसमें काम कर रही हैं वो मेरे साथ अभी एक शो में काम कर रही थी, स्टार प्लस का एक शो था, अभी वो वाइंड अप हो गया है. और फिल्म का तो डिटेल अब देखने के बाद ही बता पाऊँगा कि कितना अच्छा है, बट ये मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ज़माने के बाद ईशा जैसी बेहतरीन कलाकारा और इतनी अच्छी आर्टिस्ट मैंने बहुत टाइम के बाद देखी. जितना भी हमारा 6-7 महीने का 8 महीने का जब तक शो चला है स्टार प्लस के जिंदगी मेरे घर आना और बहुत ही अच्छा शो था, बहुत ही बेहतरीन शो था. लेकिन अब शो की लाइफ तो आपको मालूम है टेलीविज़न चैनल के मार्केटिंग और तमाम चीज़ों पर डिपेंड करती है, TRP और दूसरी चीज़. लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ रही कि उसमें बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और चूँकि ईशा उसमें बहुत मेन उसका मेन कैरेक्टर थी और वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, मतलब उस वो कैरेक्टर ऐसा था कि एक यंग लड़की जो माँ भी है, जो माँ बन गई है और उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ गई, तो जिस तरह से वो कैरेक्टर की जर्नी ईशा ने निभाई है वो बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि मैंने बहुत कम देखा है ऐसे कलाकारों को और ऐसी एक्ट्रेस को. सो मैं एक तरह से ये कह लीजिए कि उनकी कला का, उनके आर्ट का और उनकी टैलेंट का बहुत बड़ा एडमायरर हो गया, प्रशंसक हो गया. तो जब आज इस फिल्म के बारे में उन्होंने मुझसे बताया कि आज स्क्रीनिंग है तो मैंने सोचा कि यस मुझे जाना ज़रूरी है और मैं एक बार बधाई देना चाहता हूँ उसको कलाकार के रूप में भी और जिस प्रोजेक्ट में भी ये फिल्म में उसने काम किया है और इस फिल्म की कामयाबी की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बहुत कामयाब हो और पूरी टीम को इसका फ़ायदा मिले और पूरी टीम का इसमें नाम. Thank you.
ये एक लव स्टोरी है तो 10 गाने टोटल 10 गाने म्यूजिकल लव स्टोरी है तो जाहिर सी बात है लव स्टोरी है तो रोमांटिक गाने थे काफ़ी सारे कुछ सैड भी है कुछ मोस्टली रोमांस मतलब मैं खुद ही गुजराती हूँ मैं कनेक्टेड हूँ मेरे रूट से और एक मौका ढूंढ रहा था मैं लाइफ में कि कभी ऐसा मौका मिले कि कोई ब्यूटीफुल खूबसूरत गुजराती फिल्म करने का मौका मिले और ये इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है जब आप मिले चंद्रेश भट्ट साहब से जो डायरेक्टर है इस फिल्म के इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिल्म सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी एंड प्राउड ऑफ बींग पार्ट ऑफ दिस फिल्म फैक्टर्स हैं लेयर्स में अगर देखा जाए लेकिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेयर्स इज कि अमित त्रिवेदी सर गिविंग म्यूजिक फॉर अ गुजराती फिल्म इज अ बिग विन फॉर ऑल ऑफ अस और गुजराती इंडस्ट्री के लिए बिकॉज ऐसा म्यूजिक इंट्रोड्यूस हो रहा है एंड सर यहाँ पर हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती एंड ही इज़ द बेस्ट एंड वी नो ही इज़ द लिविंग लेजेंड एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंडस्ट्री मुझे खुद को भी इतना ही गर्व महसूस हो रहा है एंड टुडे वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिल्म एंड वी हैव amazing high hopes for this film and we can like you know ek hoti hai vibe hoti hai kisi film ki jo hum gauge kar sakte hain ki how big is this film going to be and definitely yes for sure so I just want to wish I don't want to wish them good luck but I just want to congratulate the whole team देखिए अभी फ़िलहाल अगर मैं सबसे पहले मैं बहुत ग्रीडी हो जाऊँगी अभी अगर आपने ये पूछा है तो कि रश्मि रॉकेट फिल्म जो रिलीज़ हुई थी मेरा ये सौभाग्य है कि अमित सर के लिए मुझे गाने का मौका मिला एंड थैंक यू सो मच अगेन सर अरे यू आर अमेजिंग ये कमाल की सिंगर है और शी इज बीन डूइंग सच अ ग्रेट वर्क गुजराती इंडस्ट्री समाज में आपने गुजराती इंडस्ट्री में भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी शी सच अ ब्यूटीफुल वॉइस ग्रेट टेक्सचर सो हैप्पी टू बी वर्किंग विद हर के पार छोड़ी होंगी अंगी अंगी मोरी अंगिया रंग रसिया डोरी डोरी मैंने तोड़ी रे घड़ी कुल 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 मैं छोरी ओ छोरो वेरी सॉरी रे घड़ी कुल 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 मैं छोरी ओ छोरो वेरी सॉरी रे थैंक यू There is one more that Saur and I have done together. वो तो है ही definitely, but there are a couple of things lined up. वो जैसे ही आएंगे. उस फिल्म का नाम है Almost प्यार. Now it's got a name. The film has got a name. Almost प्यार with DJ मोहब्बत. DJ मोहब्बत एक podcast है. तो फिल्म का नाम ही वही है. Almost प्यार with DJ मोहब्बत. उसके बारे में बात करेंगे जब अभी तो काम चल रहा है. BGM पे हूँ. मैंने गुजराती फिल्में देखना शुरू की थी 6 दिवस के बाद मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मल्हार ठाकर उनकी फिल्म है उसके बाद जो इवॉल्व हुआ है सिनेमा उस फिल्म को इतना प्यार दिया लोगों ने सिर्फ गुजराती जनता ने नहीं बट इतना वर्ल्ड वाइड इतना प्यार दिया कि उसको हिंदी में रीमेक हुआ तो वही मैं तभी इतना मेरा नाक ऐसा गर्व से ऐसा ऊपर हो गया था उसके बाद हेलारो आई तो उसके मैं गुजराती फिल्में देखने लगा अगर मैं बहुत क्रिटिकल इंसान हूँ ऐसे क्रिटिकल फिल्में देखता हूँ तो अगर मैं गुजराती फिल्में देख रहा हूँ मतलब सच में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है आई एम सो प्राउड कि इतना अच्छा काम हो रहा है गुजरात में एंड दिस फिल्म यार जिसमें अमित सर ने म्यूजिक दिया है और एक्टर्स इतने अच्छे हैं मेरी फ्रेंड है ईशानी उसने गाया है तो आई होप अभी देखूंगा मैं फिल्म एंड आई रियली होप बहुत अच्छी फिल्म होगी ट्रेलर वगैरह से बहुत अच्छी लगी म्यूजिक बहुत अच्छा है फिल्म का गुजराती फिल्म जो म्यूजिक सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रही है जो कि मतलब थोड़ा सा डिटैच हो गया था गुजराती फिल्म से तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप भी ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं यार इतना ही यूथ इंस्पायर हो चुका है गुजरात फिल्मों से क्योंकि अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स हैं विपुल सर जैसे फिल्म मेकर्स हैं अब सचिन जिगर अगर जुड़ रहे हैं फिल्मों से अमित त्रिवेदी जुड़ रहे हैं तो ये भी तो यूथ ही है हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर यही है और सब गुजरात से तो आई फील वेरी प्राउड एंड हो सकता है कि मैं भी कभी इंस्पायर होगी मैं भी कभी गुजरात में फिल्म करूँ तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था क्या कोई प्लान्स है गुजरात
हाँ है, काफ़ी काफ़ी स्क्रिप्ट आई है, मैं अभी मैं रीडिंग मोड पे हूँ और उनमें से कोई अच्छी फिल्म छाटूँ और मोस्टली करूँगा कोई एक फिल्म। अपकमिंग में अभी एक मेरी बॉलीवुड फिल्म इश्क पश्मीना ख़त्म करके आया हूँ, जो शिमला में मैं इसके लिए शूट कर रहा था 2 महीने, तो हाँ बहुत मेहनत की है और मैंने ऐसा किरदार कभी नहीं निभाया, मेनली डू फिल्म का। सो या आई रियली होप आप सबको बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच।